पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, इसलिए उसके पास आज सीमित अधिकार हैं। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अपने इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं। गंदी गंदी गालियां देना तो इनके लिए आम बात है, लेकिन अब आप ऐसे पुलिसकर्मियों को सबक सिखा सकते हैं, वो भी कानून के दायरे में रहकर। आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई पुलिस वाला आपको बेवजह उठाकर ले जाता है या आपके साथ मारपीट करता है तो यह आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। आप इसके खिलाफ कानून का सहारा ले सकते हैं। आप उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर कोर्ट संबंधित पुलिसकर्मी को तलब कर लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेगा। एडवोकेट अनिल कुमार झाझड़िया के अनुसार यदि बेवजह कोई पुलिसकर्मी मारपीट करता है तो आप उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं। शिकायत दर्ज नहीं होने पर एसपी को भी शिकायत की जा सकती है। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यह आम आदमी का कानूनी अधिकार है, हालांकि इसके लिए आपका समय और पैसे दोनों खर्च होंगे। एडवोकेट विजय कुमार शर्मा का कहना है कि यदि कोई पुलिस वाला आपका मोबाइल छीन कर ले जाता है या मारपीट करता है तो उसकी उच्चाधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कोर्ट में सबूत पेश करने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। डरने की बजाय कानून की मदद लेनी चाहिए। पुलिस की मारपीट जैसे मामलों में पीड़ित को डरने की बजाय न्याय के लिए मामला दर्ज कराना चाहिए। पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो सीधा कोर्ट में परिवादवाद दायर कर सबूत पेश करने चाहिए। अगर भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं तो लोकपाल को शिकायत करनी चाहिए, न्याय जरूर मिलेगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।